की भी अगर आप देखेंगे इसकी तो सेम लोगों के जैसी है, ट्रिप ए ट्रिप बी और डिस्टेंस टू एम्प्टी। मुझे थोड़े मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रोहित स्टर। और आज मैं लाया हूँ बहुत ही स्पेशल मोटरसाइकिल जो है TVS रॉनिन, और आज हम करेंगे इसका राइड रिव्यू और मैं आपको बताऊंगा कि ये बाइक चलने में और इसका ओवरऑल फील कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है इस बाइक का। इसका आप लुक देखिए, बहुत सही लुक लग रहा है, देखने में ये मोटरसाइकिल बहुत अच्छी लग रही है। और मैं स्पेशल थैंक यू बोलना चाहूँगा डुग्गर TVS को, जिन्होंने मुझे एक बाइक दी रिव्यू बनाने के लिए। एंड चलिए हमारा रिव्यू हम करते हैं स्टार्ट और बात करते हैं सबसे पहले इसके लुक्स की। जैसा कि आप देख सकते हैं यार, लुक्स इसका बहुत ही सही लग रहा है और आगे से आप देखिए क्या लुक है इस बाइक का। और सस्पेंशन का जो कलर उठ कर आ रहा है USD फोक्स का, वो भी बहुत सही अल्टीमेट लग रहा है। एंड जैसा कि आप देखेंगे ये थोड़ी आपको मिक्स लुक्स देगी, जैसे कि TVS कहता भी है अनस्क्रिप्टेड। अनस्क्रिप्टेड का मतलब ये होता है कि कोई पर्टिकुलर जॉनर की ये बाइक नहीं है। आप इसको स्क्रैम्बलर के उसमें भी ले सकते हैं, नेकेड के जॉनर में भी ले सकते हैं, क्रूज़र भी आप बोल सकते हैं, और या फिर इसको आप ऑफ रोडर भी बोल सकते हैं। तो TVS ने किसी एक कैटेगरी में इस बाइक को नहीं डाला है, इसलिए ये इसको अनस्क्रिप्टेड का इन्होंने एक टैग दिया है, हैशटैग अनस्क्रिप्टेड। और थोड़ा अगर आप देखेंगे इसका लुक्स तो थोड़ा आपको स्क्रैम्बलर जैसा लुक्स देगी ये बाइक। लुक यार देखो बहुत सही लग रहा है, ब्लैक और ब्लू टोन में ये बहुत अच्छी लग रही है। ये जो है ये डुअल टोन है, सेकंड टॉप मॉडल आप बोल सकते हो, इससे एक ऊपर भी आता है, उसमें कुछ चेंजेस हैं, दो तीन फीचर हैं जो इसमें नहीं आते, जो सिर्फ टॉप मॉडल में आता, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इस मोटरसाइकिल का आप लुक देखोगे तो बहुत सही लग रहा है। और अगर आगे से आपको मैं दिखाऊं तो ये जो इन्होंने DRL दिया है टी शेप का, आई थिंक TVS अब इस शेप को ज़्यादा पुश करेगी, आने वाली बाइक्स में भी आपको ये देखने को मिल सकता है। और बहुत सही लग रहा है, फुल LED सेटअप है आगे और पूरी बाइक में भी फुल LED सेटअप है। और अगर इंडिकेटर्स की बात करूँ तो ये भी फुल LED सेटअप पे हैं, बहुत अच्छा लुक आ रहा है। और ये जैसा कि आप देख सकते हैं जो पूरा ये जो कर्व बना हुआ है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और ओवरऑल यार आगे से जो USD फोक्स का जो यार लुक बड़ा है ना, इसमें गोल्डन टच जो देख रखा है वो बहुत सही लग रहा है मुझे। और कलर भी बाइक का बहुत सही है। एंड एक बार मैं आपको इसकी की भी दिखाता हूँ। की भी अगर आप देखेंगे इसकी तो सेम लोगों के जैसी है, TVS का लोगो इन्होंने साफ दिखाया है इस पर। तो आई थिंक नेक्स्ट बाइक से आपको ये टी ज़्यादा देखने को मिलेगा TVS की ओर से, और जो कि बहुत सही लग रहा है। एंड DRL भी मुझे काफ़ी पसंद आई, तो काफ़ी अच्छा लुक है इस बाइक का। और ओवरऑल अगर आप पेंट फिनिश की बात करोगे तो बहुत सही लग रहा है, बहुत नीट एंड क्लीन फिनिश है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लोगो है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। और पीछे से आपको एक बार लुक दिखाता हूँ इस बाइक का। एंड पीछे से आप देखो बाइक कितनी सही लग रही है। एंड टेल लाइट भी है जो वो फुली LED सेटअप पे है, बहुत सही लग रही है। और पीछे देख सकते हो आप TVS के ब्रांडिंग है, और यहाँ रॉनिन की ब्रांडिंग है, TVS की ब्रांडिंग एक और नीचे है। प्लस ये भी यार बहुत सही लगता है आजकल, यहाँ कुछ एक अलग टोन दिया हुआ है, एंड यहाँ पे भी कुछ टोन दिया हुआ है, एंड एग्जॉस्ट पे भी कुछ क्रोम फिनिश दी हुई है। गाइस अब बात करते हैं इसके इंजन की। इंजन जो है इसका 225cc सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन है इसका, जो प्रोड्यूस करता है 20.4 bhp का पावर, 19.93 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है ये, जो कि ठीक ठाक पावर प्रोड्यूस कर रहा है। एंड ये तो हुई इंजन की बात, आगे की हम सस्पेंशन की बात करते हैं। तो आगे जो डला है वो शोवा का सस्पेंशन है USD फोक्स, और जो फ्रंट डिस्क है वो है 300mm का, और पीछे का जो डिस्क है वो है 240mm का। एंड टायर्स की बात करूँ तो ब्लॉक टायर्स दिए हुए हैं, 110 सेक्शन के टायर्स हैं, और रियर टायर 130 सेक्शन का दिया हुआ है, एंड ये भी ब्लॉक टायर है। तो टायर भी सही है, ऑफ रोडिंग के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो इस मोटरसाइकिल को, आपको ओकेजनली ऑफ रोडिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी इस बाइक को लेकर। टॉप मॉडल में आपको लीवर जो है वो एडजस्टेबल मिलते हैं, इस बाइक में आपको एडजस्टेबल नहीं मिलेंगे। एंड इंजन का भी अगर आप देखें तो ये एक अलग से पार्ट लगा हुआ है, ताकि साउंड और एग्जॉस्ट नोट जो है वो बहुत अच्छा प्रोड्यूस हो। एंड ये सीट का लॉक दिया दे के रखा है, आप सीट खोल के थोड़ा जो भी आपका छोटा बहुत सामान है वो आप सीट के नीचे रख सकते हो। रियर फुटपैक कुछ इस टाइप के हैं, एंड ये साइड स्टैंड है और फुटपैक कुछ इस टाइप का दे के रखा है। एक अच्छी बात मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर स्लीपर क्लच दे के रखा है, जो आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देगा आपकी उंगलियों पर,
जब आप ट्रैफिक में क्रूज करेंगे इस बाइक को। टॉप व्यू दिखाता हूँ मोटरसाइकिल का, कितना सही लग रहा है और सीट्स भी बहुत कंफर्टेबल है। ये डुअल टोन ऊपर से ऐसा कुछ लुक आ रहा है, बहुत सही निकल के आ रहा है लुक। और टॉप मॉडल में आपको ब्राउन कलर की सीट मिलेगी, यहाँ पर आपको ब्लैक कलर की सीट मिल गई है, तो ये भी ठीक है। और चेन कवर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, चेन का भी प्रॉपर कवर देके रखा है ताकि चेन ज़्यादा गंदी ना हो और चेन ज़्यादा मेंटेनेंस ना मांगे आपसे, तो ये भी एक अच्छा प्रोटेक्शन है आपकी चेन के लिए। और स्प्रॉकेट अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा साइज का देके रखा है ताकि उससे आपको टॉर्क भी अच्छा मिलेगा। और आगे से मैं आपको दिखाऊँ यार क्या लग रही है बाइक, ब्यूटीफुल। और USD फोक्स का जो कलर है यार ये मेरे को बहुत सही लग रहा है, और ओवरऑल बाइक जो है वो भी ये बहुत सही लग रही है। एग्जॉस्ट नोट मैं आपको सुना देता हूँ, उससे पहले अपन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आ जाते हैं एक बार। सो बात अब करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, कि जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो अच्छी डिटेल प्रोवाइड कर रहा है। TVS ने इस बार सेंटर में न देके थोड़ा साइड व्यू दिया है, और TVS का ये कहना है कि साइड में और रोड पे फोकस करने में थोड़ा ईजी रहता है कंपैरेटिवली। अगर आप सेंटर में देखो तो फोकस शिफ्टिंग में उससे बेटर यह है कि साइड में इसको दो, तो आपका फोकस शिफ्टिंग थोड़ा इजीली हो जाता है। और अभी बाइक चलाएंगे तो समझ में आएगा वो कि कितना यूज़फुल है ये इसको साइड में करना। और यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन हैं, आपकी क्लॉक यहाँ देखे रखी है, गियर इंडिकेटर, फ्यूल गेज और ओडोमीटर, ये रहा आपका, और RPM का कैसा क्या रहेगा वो यहाँ से आप देख सकते हो। इस बाइक में दो राइडिंग मोड्स देखे रखे हैं, जो मोड यहाँ से चेंज होता है, एक अर्बन है और एक रेन है। ये अभी रेन में आ गया और यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ, अर्बन में आ गया। और इस मोटरसाइकिल में अगर आप देखेंगे तो सिंगल चैनल ABS देके रखा है, और टॉप मॉडल में आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिलता है। और यहाँ पर एक आई बटन होता है वॉइस असिस्टेंट के लिए, जिससे आपको अगर कुछ भी नेविगेट करना है या कुछ भी कमांड देना है तो वाया ब्लूटूथ आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर वो चीज़ें आ जाती है। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको बताऊँ तो नेविगेट मी टू इंदौर या नेविगेट मी टू ग्वालियर, इस टाइप का आप कुछ कमांड देंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे आपको वो नेविगेट करना शुरू कर देगा। तो ये एक अच्छा फीचर है, बट इतना यूज़फुल नहीं है जिसके लिए आप थोड़ा टॉप मॉडल प्रिफर करो। और अगर आपको लगता है या आप टूरिंग ज़्यादा करते हो तो आप ये चीज़ देख सकते हो अगर आपके काम का है तो, और वो आपको सिर्फ टॉप मॉडल में मिलेगा, वो इधर फीचर नहीं है। और यहाँ से हम मोड चेंज करते हैं, ट्रिप ए, ट्रिप बी और डिस्टेंस टू MT जो बता रहा है 14 किलोमीटर, तो इसमें आपको ये फीचर भी मिलेगा। और साइड स्टैंड का सेंसर भी दिया हुआ है जो कि बहुत अच्छी बात है, तो ओवरऑल बहुत अच्छा पैकेज है। और अब हम चलाएंगे इस बाइक को और मैं आपको चला के बताऊंगा कि मुझे चलाने में ये बाइक कैसी फील हो रही है। और लुक में तो यार कोई जोड़ नहीं है, बिल्कुल सही लुक आ रहा है। और थोड़ा ये कहना मुश्किल है कि ये स्क्रैम्बलर है या फिर एक क्रूजर है या ऑफ रोडर है। एंड जैसा मैं आपको बताऊँ, नीचे ये फाइबर का कुछ मटेरियल देके रखा है जो आपके एग्जॉस्ट को प्रोटेक्ट करेगा और ऑफ रोडिंग में आपको हेल्प करेगा। एंड मिरर की बात करूँ तो मिरर की जो फिट एंड फिनिश है वो काफ़ी अच्छी है, और आप इसको टर्न भी कर सकते हो। अगर आपको ब्रॉड व्यू चाहिए तो आप ऐसे इसको टर्न कर सकते हो, और अगर आपको ऐसा रखना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ये दोनों ऑप्शन हैं आपके पास। और स्विचेस की बात करूँ तो यहाँ पे पास स्विच देके रखा है, ये लो बीम हाई बीम करने के लिए, ये इंडिकेटर्स, ये हॉर्न, और यहाँ पे आपको स्विच देके रखा है इंजन किल स्विच, और ये हैजर्ड लाइट के लिए है। नीचे बहुत ही फेदर टच इन्होंने स्टार्ट देके रखा है, और बहुत ही प्यार से अगर आप इसको प्रेस करोगे तो बहुत ही साइलेंट स्टार्ट होगी बाइक, और ज़्यादा आपको बटन पुश करने की ज़रूरत नहीं है। दिखा देता हूँ आपको स्टार्ट करके, बहुत ही साइलेंट स्टार्ट है और बहुत ही प्यारा स्टार्ट है, ज़्यादा आपको हार्ड प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है इस मोटरसाइकिल को। और आपको फाइनली अब एग्जॉस्ट नोट सुनाऊंगा मैं, एंड एक चीज अगर आपको और बताऊं मैं तो इंजन में अगर आप देखोगे तो ये प्लेट एक्स्ट्रा अलग से डली हुई है, ये इसके साथ नहीं लगी हुई है, आई थिंक ये प्लास्टिक देके रखा है। एग्जॉस्ट नोट और अच्छा करने के लिए कंपनी ने ये वाला मूव लिया है। और अगर आप यहाँ से देखो तो ये जो डुअल टोन इंजन पे देके रखा है यार, ये भी बहुत सेक्सी लग रहा है, बहुत अमेजिंग लग रहा है ये। एंड अगर आपको टायर्स पे दिखाऊं, अलॉय व्हील्स पे, तो देखो आप वहाँ पे भी आपको डुअल टोन देके रखा है, यहाँ से आपको क्रोम की फिनिश दिख रही है, तो ये भी दूर से देखने में बहुत अमेजिंग लग रहा है। तो ओवरऑल ये पैकेज आपको TVS ऑफर कर रहा है 1.5 लाख के आसपास,
एक शोरूम प्राइस दिल्ली या इंदौर सेम ही है प्राइस लगभग। ओवरऑल ये फीचर्स हैं बाइक के जो मैंने आपको बताए, और अब चलिए चलते हैं, बाइक चलाते हैं और आगे का वीडियो कंटिन्यू करते हैं, और आपको मैं बताऊंगा कि बाइक चलाने में मुझे कैसे क्या फील आता है। सिटिंग पोस्चर ठीक है और मिरर एडजस्ट कर लेते हैं जो कि अच्छा व्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। ये इसका हॉर्न है इस टाइप का, और चलिए अब एग्जॉस्ट को चालू करते हैं। बहुत ही प्यार से आप टच करोगे और इंजन स्टार्ट हो जाएगा, ये भी बहुत अच्छी बात है। ऐसा कुछ एग्जॉस्ट नोट है, और चलिए चलते हैं। सीटिंग इसकी सॉफ्ट है और ज़्यादा कुछ आपको हार्ड फील नहीं होगा। एंड पावर डिलीवरी अभी चेक कर लेते हैं हम लोग, एंड ये लो फ्यूल का इंडिकेशन यहाँ पर दिख रहा है हमें। मुझे थोड़े मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं, क्रूज़र वाले भी आ रहे हैं, थोड़े थोड़े स्क्रैम्बलर वाले भी फील आ रहे हैं मुझे। तो आपको थोड़ा मिक्स्ड राइडिंग एक्सपीरियंस समझ में आएगा इनिशियल स्टेज पे। गियर बॉक्स यार बहुत ही स्मूथ गियर बॉक्स है, मतलब पता ही नहीं चल रहा है आपको कि आपने कैसे उसको शिफ्ट कर लिया। बहुत ही स्मूथली गियर शिफ्ट हो रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा गियर शिफ्ट कैसे हो रहे हैं। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं क्लच भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, थोड़ा लाइटर मोड पर है, ज़्यादा आपको ट्रैफिक में परेशान नहीं करेगा ये, और अपनी दो फिंगर से भी आप उसको इजीली मैनेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। थ्रॉटल रिस्पांस देखेंगे इस बाइक का तो वो भी अच्छा है, आपको दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए वो किक नहीं मिलेगा आपको जैसा आप एक्सपेक्ट करेंगे इससे कि बिल्कुल ही आप एकदम थ्रॉटल मारे और ये फटाफट भागने लग जाए, नहीं, इसको थोड़ा टाइम लगता है पिक करने में। ये देखिए थोड़ा इसको टाइम लगेगा, एकदम रेडी नहीं है ये बाइक पावर के लिए। एंड इस बाइक में मैं कहूँगा कि सटल पावर है, एक्सीलरेशन भी ठीक है, ज़्यादा कुछ फास्ट एक्सीलरेशन या नहीं है। एंड इस बाइक का जो सस्पेंशन है वो थोड़ा स्टिफ साइड पर है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, स्टिफ साइड है, ज़्यादा आपको सॉफ्ट फील नहीं होगा सस्पेंशन। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा, जो गियर बॉक्स है इसमें 5 गियर्स हैं टोटल, 6 गियर नहीं है इसमें। तो वहाँ मैं थोड़ा बोलूँगा कि 6 गियर भी होता तो काफ़ी अच्छा रहता, और अभी थोड़ा उसको हाई स्पीड पे चलाएंगे तो समझ में आएगा कि 6 गियर की नीड है या नहीं है। अगर होता, मेरे ओपिनियन में अगर होता तो ज़्यादा अच्छा होता और बाइक क्रूज़ करने में ज़्यादा मज़ा आता, ज़्यादा स्मूथ चलती। बट अगर नहीं दिया है तो कोई कंप्लेन नहीं है इससे। तो थोड़ा आपको ब्रॉड लगेगा यहाँ से, और 14 लीटर्स का फ्यूल टैंक है, और ये चीज़ इसमें कैप देके रखी है जो थोड़ा आपको प्रीमियम फील देगी। एंड इसकी ABS की अगर मैं बात करूँ तो ABS अर्बन में सटल रहता है, ज़्यादा फुल पावर से काम नहीं करता है, पर जैसे ही आप इसको रेन मोड पे शिफ्ट करेंगे ABS अपने फुल मोड पे आ जाएगा। अगर बाइक को लगता है कि थोड़ा भी गिरने के चांसेस हैं तो वो फुल पावर से अपना काम करेगा। तो ये सीन है इसमें, ABS भी आपको दोनों मोड में अलग अलग ABS का टच मिलेगा। एंड आगे बात कर लेते हैं कि 6th गियर की नीड है या नहीं है। अगर होता तो ठीक था, वरना नहीं है तो कोई बात नहीं। बाकी मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि ये बाइक मुझे नहीं लगता कि 130 या 140 के ऊपर जाएगी। तो 5th गियर ठीक है, ज़्यादा RPM में 5th गियर कंफर्टेबल है। बस यही बोलूँगा, अगर होता तो और मज़ा आ जाता, जो कि नहीं है तो कोई बात नहीं, और नो कंप्लेंट्स एट ऑल। एंड जो रोड ग्रिप है वो भी ठीक है, मतलब नो कंप्लेंट एट ऑल, आराम से आप रोड से चिपक के ये बाइक चल रही है, आराम से आप उसको जिगजैग करोगे तो कोई कंप्लेंट नहीं होगी आपको। और स्टेबिलिटी यार रोड पे बहुत सही है, आप देखो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी ये गाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, मज़ा आ रहा है मुझे इसको क्रूज़ करने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है सच। TVS यार परफॉर्मेंस बहुत अच्छा करते जा रही है डे बाय डे,
और TVS का जो लेवल है यार, ये बहुत इम्प्रूव होता जा रहा है। और ऐसी गाड़ी अगर आपको देखने को मिल रही है जो कि बहुत अच्छी चल रही है और हैंडलिंग जिसकी बहुत अच्छी है, हैंडलिंग अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत अच्छी हैंडलिंग इसकी देके रखी है और हॉर्न अच्छा देके रखा है। सारी क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करूं तो बहुत अच्छे देके रखा है इन्होंने। ये जो ये आइडिया लगाया है ये वाकई में बहुत काम कर रहा है, मतलब रोड पर फोकस करके। वापस अगर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखना है तो बहुत ईजीली आपका ध्यान फोकस हो सकता है, तो ये भी एक अच्छा मूव है TVS की तरफ से। तो ओवरऑल ये बाइक बहुत अच्छा पैकेज बन रही है। जो प्राइसिंग रखी है वो भी बहुत एग्रेसिव प्राइसिंग रखी है TVS ने, ताकि सेल्स अच्छी सी बूस्ट हो सके। तो यहाँ पे भी TVS ने बहुत अच्छा काम किया है प्राइसिंग के मामले में भी। और रियर जो सस्पेंशन है वो मोनोशॉक है, तो पीछे भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। इसके थोड़े ब्रेक्स भी हम यूज़ करके देख लेते हैं, दोनों ब्रेक साथ में यूज़ करेंगे तो फीडबैक समझ में आएगा कि फीडबैक कैसा आ रहा है। और लीन भी बहुत प्यारी हो रही है ये, तो उसमें भी कोई कंप्लेन नहीं है। एंड ब्रेकिंग एक बार यूज कर लेते हैं इसकी। ब्रेकिंग का फीडबैक भी अच्छा है, एक बार और कर लेते हैं। बहुत सही ब्रेकिंग है, ब्रेकिंग में भी फुल मार्क्स मिलते हैं इस बाइक को, कोई कंप्लेन नहीं है सच। इस बाइक में आपको इंस्टेंट पावर देखने को नहीं मिलेगा, और अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बाइक इंस्टेंटली अगर आप जैसे थ्रॉटल मारोगे बाइक भागेगी, तो ये सीन यहाँ पर नहीं है। टू बी वेरी क्लियर मैं आपको बताऊँ, अगर आप बाइक को थ्रॉटल मारेंगे तो बाइक चलती है, पावर भी लेती है, और पावर सटल होने के कारण इंस्टेंट वो नहीं उठेगी, तो आप ये एक्सपेक्ट मत करिएगा इस बाइक से। सो ओवरऑल रिव्यू जो था मेरा बाइक को लेके वो ये था, अगर आप बाइक ये प्लान कर रहे हैं डेली कम्यूट के हिसाब से और आप सैटरडे संडे ओकेजनली राइड पे जाएंगे, तो उस सेंस के में ये बाइक आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। प्राइस के हिसाब से परफॉर्मेंस की भी बात करूँ तो वो भी अच्छी है। ओकेजनली अगर आप चीज़ें प्लान कर रहे हैं, ऑफ रोडिंग करने वाले हैं या हाईवे पे जाते हैं ओकेजनली इस बाइक पे, तो ये बाइक आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। सो इस प्राइस ब्रैकेट में ये बाइक बहुत अच्छी चॉइस बनती है, और आप चाहें तो बिल्कुल इसको कंसिडर कर सकते हैं। सो गाइज मेरा रिव्यू यहाँ ख़त्म होता है, और मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, रोहित।